हेलो गाइस मैं सोच सुन स्वागत पाल वेलकम शेयर टू कोड फिक्स असाइनमेंट पे बाय क्या हो सो लाइक नो स्टार्ट दिस इज प्रॉब्लम द प्रॉब्लम टू टेक इफ आफ्टर सॉल्व काउंट नंबर ऑफ सब सो लेट्स गेट इनटू दिस प्रॉब्लम तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना उसके अंदर अपनी तो एक स्ट्रिंग दे रखी होगी और एक इंटीजर दे रखा होगा के

इसके अंदर भी ये वाला ए जो है वो डिस्टिंक्ट है ये वाला पी डिस्टिंक्ट है और ये वाला ए जो है वो रिपीट हो रहा है मतलब इसके अंदर भी एग्जैक्टली टू डिस्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट है ठीक है तो अपने पास कितनी ऐसी सबस्ट्रिंग्स हुई अपने पास तीन ऐसी सबस्ट्रिंग्स हुई है और तीन ही अपना आंसर है मतलब अपन क्वेश्चन से समझ चुके हैं अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं एक बार बहुत क्लियर कर देती हूँ तो इसको सॉल्व करना तो है सिंपल है इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे अपन अपनी पूरी स्ट्रेंड में ट्रेड करेंगे और देखेंगे और वन डिस्टिंग भी प्रेजेंट हो तो सकता है ठीक है बट अपने तो कोई मतलब था ही नहीं अपने को तो बस ये देखना था की अपनी स्ट्रिंग में कितनी ऐसी प्रेसेंट है जिसके अंदर एक्सैक्टली टू डिस्टिंग के लिए अपन क्या करेंगे अपन अपने स्ट्रिंग में फिर से क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि अपने पास कितनी ऐसी सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है जिसके अंदर एटमोस्ट ए माइनस वन मतलब एटमोस्ट वन डिस्ट्रिंक कैरेक्टर प्रेजेंट है और उसको अपन अपने पहले वाले आंसर में से माइनस कर देंगे इससे होगा क्या इससे अपने को मिलेगा कि अपने पास कितनी ऐसी सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसके अंदर एटमोस्ट वन डिस्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट है और उसको अपन अपने पहले वाले आंसर में से माइनस कर देंगे तो वो वाली सारी सब्सटेंस हट जाएंगी जिसके अंदर वन डिस्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट था और अपने को क्या मिलेगा अपने को वन साइज तो जिसके अंदर एक्सैक्टली टू डिस्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं और अपन उसी का अकाउंट रिटर्न कर देंगे यही अपनी सिंपल सी अप्रोच है ये अब अपन सबसे सब पहले तो ये देख लेते हैं कि अपन ये कैसे फाइंड करेंगे कि अपने पास कितनी ऐसी जिसके अंदर प्रेजेंट हैं तो इसके लिए मैं एक बार बहुत देती हूँ तो अपने को करना क्या है ना अपने को सबसे पहले तो ये देखना है कि अपने पास कितनी ऐसी सबस्टेंग प्रेजेंट हैं जिसके अंदर एक्मोस्ट टू डिस्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो फिर अपने को ये देखना है कि अपने पास कितनी ऐसी सब्सट्रेंट प्रेजेंट हैं जिसके अंदर एक्टोस्ट वन डिस्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट हो फिर अपने को दोनों आंसर्स को माइनस कर देना है तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा अब अपन सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अपन ये कैसे फाइंड करेंगे कि अपने पास एक्टमोस्ट टू डिस्टिंग कैरेक्टर्स वाली स्ट्रिंग कौन कौन सी है तो इसके लिए मैं एक बार अपनी स्ट्रिंग को इधर लिख देती हूँ अपनी स्ट्रिंग क्या है ए पी ए तो अपन क्या करेंगे अपन अपने पूरी स्ट्रिंग में ट्रेड करेंगे अपन एक वेरिएबल काउंट मेंटेन करके चलेंगे तो इसके अंदर मैं अपनी सारी डिस्टिंग कैरेक्टर का काउंट स्टोर करूँगी और एक वेरिएबल मेंटेन करके चलूँगी रिजल्ट इसके अंदर अपने पास जितनी ऐसी सब स्ट्रिंक आते जाएंगे इसके अंदर एटमोस्ट टू डिस्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो तो मैं उनका काउंट स्टोर करवाती जाऊँगी ठीक है तो अपने पास सबसे पहला कैरेक्टर क्या आया अपने पास सबसे पहला कैरेक्टर आया ए तो अपन क्या करेंगे अपन ए के काउंट को प्लस प्लस कर देंगे कि अपने पास ए जो है वो वन टाइम्स आ चुका है और अपन अपने डिस्टिंग कैरेक्टर्स के अकाउंट में भी वन को स्टोर कर लेंगे कि अपने पास वन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर आ चुका है और अपने रिजल्ट में भी अपन वन स्टोर कर लेंगे कि अपने को एक ऐसी सब्सिंट मिल चुकी है जिसके अंदर वन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर प्रेजेंट हो फिर अपने पास कैरेक्टर क्या आया अपने पास कैरेक्टर आया बी तो अपन बी के अकाउंट को भी प्लस प्लस करके वन कर देंगे कि अपने को एक और डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मिल चुका है बी तो अपन इसके लिए अकाउंट को प्लस प्लस कर देंगे फिर अपने रिजल्ट में अपन क्या स्टोर करेंगे अपना लास्ट वाला इंडेक्स क्या है अपने बी का इंडेक्स है वन अपने ए का इंडेक्स क्या है मतलब अपना स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है अपना स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो है तो अपन क्या स्टोर करेंगे वन माइनस जीरो प्लस वन मतलब अपना एंडिंग इंडेक्स जिस इंडेक्स पे अपन खड़े हैं माइनस अपना स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस वन ये मैंने क्यों स्टोर किया इससे अपना आंसर आएगा टू और अपना आंसर टू कैसे आया सबसे पहले अपने पास सब होगी बी और एक अपने पास सब होगी ए बी ठीक है मतलब बी का सबके साथ पैर बन जाएगा बी का एक तो खुद का सिंगल पेयर बनेगा और इसके आगे वाले कैरेक्टर के साथ में पैर बन जाएगा ठीक है तो अपने पास दो आ, डिस्टिंक्ट डिस्टिंग प्रेजेंट थी तो अपन क्या करेंगे अपन अपने, अपने काउंट में इस वाले फॉर्मूला से टो को ऐड कर देंगे तो अपने पास रिजल्ट में क्या आ गया अपने पास रिजल्ट में थी आ गया अब अपना नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है अपना नेक्स्ट कैरेक्टर फिर से ए है अब ए जो है वो दूसरी बार प्रेजेंट है मतलब वो एक बार ऑलरेडी आ चुका है अपनी स्ट्रिंग के अंदर तो अपन क्या करेंगे अपन काउंट के अंदर अभी कुछ को भी प्लस नहीं करेंगे क्योंकि अभी अपने को कोई भी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं मिला है ठीक है फिर अपने रिजल्ट पर अपन क्या स्टोर करेंगे अपना अभी लास्ट वाला इंडेक्स क्या है अपना लास्ट वाला इंडेक्स टू है अपना स्टार्टिंग वाला इंडेक्स अभी भी जीरो है और अपन प्लस वन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा टू माइनस जीरो टू प्लस वन थ्री अब अपनी थ्री यूनिक सब स्ट्रिंग्स कैसे बनी है सबसे पहले तो अपनी सबस्ट्रिंग बनी ए फिर अपनी सब स्ट्रिंग बनी बी ए फिर अपनी सबस्ट्रिंग बनी ए बी ए इसके अंदर वन डिस्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट था इसके अंदर टू तो डिस्टिंग है और इसके अंदर भी टू डिस्टिंग मिले हैं तो अपन क्या करेंगे अपने, अपने रिजल्ट को सिक्स बना देंगे अब आप बोल रहे हो गए कि अपने को सब स्ट्रिंग ए तो पहले भी मिल चुकी है पर इसके अंदर अपने को बोला है कि अपनी सब यूनिक होना जरूरी नहीं है ठीक है नॉट नेली डिस्टिंक्ट अब इससे अपन ने क्या किया अपनी पहले वाली सब इस वाले ऐसे बनी थी और अपनी दूसरे वाली सब इस वाले ऐसे बनी है तो ये अलाउड है ठीक है तो अपने पास टोटल ऐसी सिक्स सब हैं है तो इसके अंदर एटमोस्ट टू डिस्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो वो कौन कौन सी हैं एक तो ए है फिर बी है फिर ए बी है फिर ए है फिर बी ए है और फिर ए बी ए है ठीक है ये अपने पास सिक्स डिस्टिंग बनी है जिसके अंदर एटमोस्ट टू कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो ठीक है अब अपन क्या देख लेते हैं कि अपने पास किस के, सब के अंदर है। तो उसके लिए मैं एक बार बहुत क्लियर कर देती हूँ अपनी स्ट्रिंग है ए बी ए अपना काउंट है जीरो और अपना रिजल्ट भी अभी है जीरो पास सबसे पहला कैरेक्टर क्या आया अपने पास सबसे पहला कैरेक्टर आया ए तो अपन ए की जगह पे वन स्टोर कर देंगे कि अपने को ए जो है वो वन टाइम्स मिल चुका है और अपन अपने डिस्टिंक्ट काउंट के अंदर भी वन को स्टोर कर लेंगे कि अपने को एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मिल चुका है और अपने रिजल्ट के अंदर भी अपन वन स्टोर कर लेंगे रिजल्ट के अंदर अपन वन स्टोर क्यों करेंगे क्योंकि अभी अपना करेंट इंडेक्स क्या है करेंट इंडेक्स जीरो है स्टार्टिंग इंडेक्स भी जीरो है और अपन प्लस वन करेंगे तो जीरो माइनस जीरो, जीरो जीरो प्लस वन हो जाएगा वन ठीक है तो अपना फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है ठीक है फिर अपना नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आया अपना नेक्स्ट कैरेक्टर आया बी बी भी अपना डिस्टिंग कैरेक्टर था अपन क्या करेंगे अपन डिस्टिंग कैरेक्टर के अकाउंट में प्लस प्लस करके टू कर देंगे बट अब अब अगर अपन देखें तो अपने पास टू डिस्टिंग प्रेजेंट हैं और अपने को क्या चाहिए था कि अपने को वन ही डिस्टिंग कैरेक्टर चाहिए था ठीक है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे अपन अपनी स्टार्टिंग इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे अपना स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था अपना स्टार्टिंग इंडेक्स था जीरो अपन इसको प्लस प्लस करके वन कर देंगे अपन क्या करेंगे अपन इस वाले ई को डिस्कार्ड कर देंगे और क्योंकि अपन ने अपने इस वाले ई को डिस्कार्ड कर दिया है इसलिए अपन क्या करेंगे अपन एक अकाउंट

Uh, सबस्ट्रिंग क्या थी ए और अपनी दूसरी सबस्ट्रिंग है बी ठीक है अब अपन वापस से क्रिएट करेंगे तो अपने पास एक और डिस्टिंक्ट कैरेक्टर आ चुका है मतलब ए की पोजीशन पे अपन ने सीओ को स्टोर कर दिया था और अपने पास वापस ए आया है तो अपन ए uh, की पोजीशन पर वन स्टोर कर लेंगे क्योंकि अपन ने वापस ए को इंक्लूड कर लिया है और अपने डिस्टिंग कैरेक्टर के अकाउंट पे भी अपन प्लस प्लस करके टू कर देंगे अब अपने पास टू डिस्टिंग कैरेक्टर्स आ रहे थे बट अपने को मैक्सिमम वन डिस्टिंग कैरेक्टर चाहिए तो इसके लिए अपन क्या करेंगे अपन बी का अकाउंट फिर से जीरो कर देंगे अपन इस बी को डिस्कार्ड कर देंगे अपने स्टार्टिंग इंडेक्स को अपन प्लस प्लस करके टू कर देंगे ठीक है तो अपना स्टार्टिंग इंडेक्स भी टू है अपना करेंट इंडेक्स भी टू है और इसके अंदर अपन प्लस वन कर देंगे तो टू माइनस टू जीरो प्लस वन हो जाएगा वन ठीक है तो अपने पास एक और सब स्ट्रिंग आ चुकी है ए जिसके अंदर मोस्ट वन डिस्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट हैं तो अपन रिजल्ट के अंदर से प्लस प्लस करके टू थ्री कर देंगे ठीक है तो और अपनी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है मतलब अपने पास एट मोस्ट वन डिस्टिंग कैरेक्टर्स वाली थ्री सब प्रेजेंट थी है, वो है ए बी ए और अपने पास एटमोस्ट टू डिस्टिंग कैरेक्टर्स वाली फिक्स सबस्ट्रिंग्स प्रेजेंट थी ए बी ए बी ए बी ए और ए बी एम ठीक है तो इसके अंदर से अपन इन तीन सबस्ट्रिंग्स को डिस्कार्ड कर देंगे तो अपने पास कितनी सबस्ट्रिंग्स बची वन टू और थ्री और थ्री ही अपना आंसर है मतलब अपनी अप्रोच एकदम वर्क कर रही है एक बार अपन कोड देख लेते हैं तो उसके कोड के अंदर मैंने क्या किया है मैंने सबसे पहले तो अपने मेन फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को कॉल किया है जिसके अंदर सबसे पहले तो मैं ऐसा ओ के को पास करती हूँ फिर मैं ऐसा के माइनस वन को पास करती हूँ तो सबसे पहले जब तो मैं ऐसा ओ के को पास करती थी तो मेरे को सारे सबस्टिंग्स का अकाउंट मिल जाएगा जिसके अंदर एडमोस्ट के डिस्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं और फिर मेरे को उन सारी सब्सिट्रिंगस का अकाउंट मिल जाएगा जिसके अंदर एडमोस्ट के माइनस वन डिस्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट है फिर मैं उन दोनों को माइनस करके रिटर्न कर दूंगी क्योंकि मेरा वही आंसर होगा ठीक है तो इस एटमोस्ट के के अंदर मैंने क्या किया है मैं सबसे पहले तो वो दिखा देती हूँ तो अगर अपना के जो है वो एक्सटेंट जीरो है तो मैं जीरो रिटर्न कर दूंगी क्योंकि ऐसी कोई भी सबस्टिंग प्रेजेंट नहीं होगी जिसके अंदर जीरो से कम डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट हों ठीक है फिर मैंने एक आई बनाया है अपना स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो फिर मैंने अपना लास्ट वाला इंडेक्स मतलब अपना करंट इंडेक्स भी जीरो से कर दिया काउंट जिसके अंदर मैं डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स को स्टोर करूँगी वो भी अभी जीरो है और मेरा रिजल्ट भी जीरो है जिसके अंदर मैं अपनी सब्जेंट को स्टोर करती दी हूँ ठीक है फिर तो अपने पास इंग्लिश में ट्वेंटी सिक्स अल्फोबेट्स होते हैं तो मैंने उन सारे अल्फाबेट्स का एक एरे बना लिया है और उन सबको जीरो से इंगिशलाइज कर दिया और जैसे जैसे अपने पास कैरेक्टर आता जाएगा तो मैं उस कैरेक्टर की पोजिशन पर प्लस प्लस करती जाऊँगी फिर जे को मैंने ट्रेट किया है अपनी स्ट्रिंग की लेंथ के साथ में कि जब जे अपना स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर होगा तो ऑटोमेटिकली अपना लूप टर्मिनेट हो जाएगा फिर मैंने क्या किया है अपना जो भी पैरेंट कैरेक्टर आया है मैंने उसके पोजीशन पे प्लस प्लस कर दिया और मैं कंपेयर कर रही हूँ कि अगर अपना जो कैरेक्टर है वो अपना पहली ही बार आया है मतलब अकाउंट अगर अपना वन है तो अपने डिस्टिंग कैरेक्टर के अकाउंट में प्लस प्लस कर दूँ ठीक है फिर मैंने क्या बोला कि अगर अपना अकाउंट कभी भी कैसे भर जाता है जो अपना इस केस में जा रहा था जब अपने को वन डिस्टिंग कैरेक्टर फाइंड करना था और अपने पास मल्टीपल टाइम्स टू डिस्टिंग कैरेक्टर्स आ रहे थे तो उस केस में मैंने क्या किया था उस केस में मैं स्टार्टिंग से कैरेक्टर्स को डिस्कार्ड करती जा रही थी तो इधर पे मैं वही करती हूँ कि मैं अपनी आयत पोजीशन मतलब अपनी स्टार्टिंग वाली पोजीशन के कैरेक्टर्स को डिस्कार्ड करती जाती रही हूँ मैंने क्या किया मैंने अपने आयत वाले पोजीशन वाले कैरेक्टर की प्लेस पर माइनस माइनस कर दिया कि उस वाले कैरेक्टर को डिस्कार्ड कर दो और उस वाले कैरेक्टर को दोस्कार्ड करने के बाद अगर उस वाले कैरेक्टर का अकाउंट जीरो जीरो हो जाता है तो अपन क्या करेंगे अपन अकाउंट को माइनस माइनस कर देंगे ऐसा मैंने क्यों कहा कि अगर अपना स्टार्टिंग में दो बार ए आ रहा होता ठीक है तो अपने ए का अकाउंट क्या होता ए का एक टू होता ठीक है अब अगर मैंने ये वाले ए को डिस्कार्ड कर दिया तो अब एक अकाउंट क्या है एक अकाउंट वन है लेकिन अभी भी वो अपनी स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है ठीक है तो इसको कम्प्लीटली डिस्कार्ड मैं कब करूँगी जब मैं इस वाले ए को भी ख़त्म कर दूँगी तो इस वाले ए को भी मैंने ख़त्म कर दिया तो अपने एक अकाउंट में हो गया अपने एक अकाउंट जीरो हो गया तो उस केस में क्या हुआ कि ए जो है मतलब अपना एक डिस्टिंग कैरेक्टर ए जो है वो टर्मिनेट हो चुका है तो उसके बाद मैं क्या करूँगी अपने अकाउंट में से भी उस डिस्टिंग कैरेक्टर को हटा के बंद कर दूँगी ठीक है तो इसलिए मैंने इधर ये किया है फिर मैंने आई को प्लस प्लस कर दिया कि मैंने अपने स्टार्टिंग वाले कैलेंटर को टर्मिनेट कर दिया है ठीक है फिर मैंने रिजल्ट के अंदर क्या प्लस किया अपना करेंट इंडेक्स माइनस अपना स्टार्टिंग वाला इंडेक्स प्लस वन ठीक है अपना वही फॉर्मूला मैंने जे को प्लस प्लस कर दिया और लास्ट में रिजल्ट को रिटर्न कर दिया यही अपना सोल्यूशन था एक बार सबमिट करके देखते हैं तो हाँ ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है मतलब एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन आपको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं वो अब आपको समझ में होगा अगर आपको समझ आया वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मैंशन करेगा हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है थैंक यू सो मच थैंक फॉर वॉचिंग टाइम